भी हम सभी लोगों ने मिलकर राखी बनाई है अपने हाथों से। मार्केट में बहुत तरह की राखी अवेलेबल है और सुंदर सुंदर और महंगी राखियां भी हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें जो थोड़ा क्रिएटिव और नया हो। हर बार की तरह इस बार हमने फूडी राखियां बनाई हैं सभी लोगों ने मिलकर, और आप ये देखेंगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट, ये बर्गर राखी, ये इडली राखी, ये समोसा, जैसे जैसे भाइयों की पसंद होती है उसको हमने ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों ने जैसे ये कुकू और चावल, रेजिन बहुत चल रहा है अभी, तो हमने रेजिन को बनाया है, उसी को हमने राखी में कन्वर्ट किया है कुकू और चावल से। और अभी रेजिन की ओकेन बहुत पसंद आती है अधिकतर, तो हमने उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज किया है, उसको हमने राखी में लेकर आए हैं। और इस तरह से ये डेकोरेट है। और हमारी एक मोजक अंदर है, मोजक मिरर वर्क बहुत ही प्यारा लगा, हमने ये सोचा है कि इसको कैसे हम कन्वर्ट करें राखी में। तो इस तरह से हमारी फीलिंग्स इन राखियों के साथ जुड़ी हुई है। हेलो, निवेदिता मैम के यहाँ हम राखी सीखने आए हैं और हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह की राखियाँ बनाई हैं। जैसे कि हमेशा निवेदिता मैम बहुत ही फिनिशिंग से सारी चीजें सिखाती हैं, राखियाँ भी वैसी ही उन्होंने बनाई हैं। ये हमने समोसा, राखी, बर्गर, इडली, जैसे फूडी भाई होते हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाई हैं, और मोजेक राखी, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इसलिए बनाई है ताकि ऐसे बनी हुई राखियाँ भाइयों को ज्यादा पसंद आती है बजाय की बाजार की खरीद के देने की बजाय। तो थैंक्स टू निवेदिता मैम कि हमें इतनी अच्छी अच्छी राखियां बनानी सिखाई। इस बार मैम ने हमको बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करवाई है, अलग अलग आर्ट सिखाए हैं, उसी को मिनिएचर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राखी में कैसे कर सकते हैं, वो मैम ने हमको करवाया है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमने अभी डॉट आर्ट सीखा था, डॉट आर्ट को मैम ने कन्वर्ट करवाई राखी में, जो मार्केट में हमको देखने को नहीं मिलती है, और अपने भाइयों के लिए स्पेशली हमने बनाई है। और इसके साथ वो चीजें बनाई है जो भाइयों को खाना बहुत पसंद है, समोसा राखी, मतलब जनरली अपने को सिर्फ स्टोन्स की वो राखी मिलेगी, ऐसी राखी देखने को बाजार में नहीं मिलेगी। बहुत डिफरेंट और बहुत सारी अलग अलग तरह की राखी है। और थैंक यू निवेदिता मैम, हमने बहुत सारा कुछ सीखा है।